दोस्तों आज की जो जानकारी है हमारे किसान बंधुओं के लिए भी है और हमारे युवा जो गांव में बेरोजगार हैं उनके लिए भी है। एक नई मशीन की जानकारी मिलेगी, कहा जाए तो एक नई आधुनिक मिनी राइस मिल की दोस्त आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी। इस मशीन के माध्यम से हमारे किसान भाई तो लाभान्वित तो होंगे ही होंगे, साथ ही वैसे हमारे युवा बेरोजगार भाई जो गांव में खुद का स्वरोजगार तलाश रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। कैसे ये मिनी राइस मिल बेहतर साबित हो सकती है, सारी जानकारी दोस्त आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हमारे साथ विप्लव सर हैं जो हेलो डिस्पोजल मुजफ्फरपुर के ऑनर हैं और इस मशीन की सारी जानकारी आपको देंगे, डीपली जानकारी देंगे, टेक्निकल जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंपनी में। तो सर ये आज जो जानकारी मिलेगी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को वो है इस मशीन की जानकारी, मिनी राइस मिल की जानकारी। तो ये सर हॉलर से अलग कैसे है? देखिए अभी तक जो भी हम लोग हमारे यहाँ जो था वो बिजनेस पे आधारित था, लेकिन अब आपको किसान से लेकर किचन तक किसान भाई को जो ज़रूरत है वो भी मशीन मेरे यहाँ मिल जाएगी और आपके किचन में जो ज़रूरत है वो भी मशीन मिल जाएगी। यानी कि एक स्टेप अपना बढ़ाए हैं सर। बिल्कुल किसान भाइयों के लिए है और अगली वीडियो में हम किचन का भी सामान जो है उसका भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब बदलते ज़माने का बदलता हुआ बिजनेस है और बदलता हुआ मशीन भी है, ठीक है। सब 5G हो गया है, अभी तक 2G 3G में चल रहे थे, अभी 5G का ज़माना है तो आपको मशीन भी 5G ही चाहिए। तो पहले जो राइस मिल था हॉलर था, आप देख रहे थे घंटे का 100 से 150 kg कुटाई होती थी, एक बार नहीं दो दो बार करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मोटा अगर धान रहता था तो तीसरी बार भी उसको साफ करने के लिए कुटाई करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता था सर, उसको मैनुअली करना पड़ता था, हाथ लगा के लोग रोकता था वहाँ पे, ठीक है। और मैन पावर भी इसमें सर ज़्यादा लगता था। और यह मशीन जो है सिंगल यूज है, यानी कि जो हॉलर है उसमें लगभग 2 या 3 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही ये जो मशीन है जो आपके पास मिनी राइस मिल है, मिनी राइस मिल है, आधुनिक मिनी राइस मिल कह सकते हैं, इसमें उतने आदमियों की उतने मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल इसमें एक मैन पावर सारे काम आसानी से कर सकते हैं, एक लोग। पहले जो था उसमें 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, एक लोग लगातार धान या चावल डालते थे, एक लोग मशीन नहीं छोड़ पाते थे, तीसरा लोग भी हेल्प करते थे। इसमें कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मात्र एक लोग सारे काम को कर लेंगे। सर इसके प्रोडक्शन पर भी हम आएंगे, इसके क्वालिटी पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है सर कि जो हॉलर है उसमें गेहूं का छिलका भी हटाया जाता था जहां तक मुझे ज्ञात है, तो क्या इस मशीन के माध्यम से भी हमारे भाई गेहूं का छिलका हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। देखिए ये सब क्या है, सब अपना तजुर्बा कमाल होता है, ठीक है। मशीन वही रहता है, कुछ लोग लेते हैं तो सक्सेस नहीं होते हैं, कुछ लोग मीडियम चलते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। मशीन वही होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, आपके सोचने का तरीका अलग है कि हमको इससे अगर कर लेना है तो आप कोई भी काम कर लीजिए। तो दाल भी इससे छट सकता है? बिल्कुल, यानी कि इस मशीन के माध्यम से हमारे भाई या हमारे किसान बंधु धान की कुटाई कर सकते हैं, गेहूं जो होता है उसका जो छिलका अगर निकालना होगा तो उसको भी निकाल सकते हैं, और साथ ही दाल की छटाई यानी कि दाल छाटी मिल का भी ये काम कर सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको क्लियर कर दें कि यह मशीन स्पेशली राइस मिल है, ठीक है, लेकिन स्टेपल में आप उन सब कामों को भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं गेहूँ ग्राइंडिंग का काम है तो इसमें आप कर सकते हैं, वो आपके बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है, ठीक है। दाल छटाई कर लीजिए आप, गेहूं की ग्राइंडिंग कर लीजिए, जो भी करना आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर धान की कुटाई पर, दोबारा मैं आता हूँ कि दो जो हॉलर में होता है सर 2 बार डालने की ज़रूरत पड़ती है, पहला बार में भूसा और चावल एक साथ गिरता है, उसके बाद फिर पुनः उसको हॉलर हॉपर में डालने पर चावल अलग होता है भूसा अलग होता है, तो इसमें अगर धान डाला जाएगा सर तो क्या 2 बार डाला जाएगा क्या एक ही बार में फाइनल प्रोडक्ट निकाल देगा? एक बार में फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा और इसका एक बार में ही 3 स्टेप निकलता है। आप अगर 3 स्टेप क्या होता है सर? 3 स्टेप का मतलब हो गया कि आप 3 बार जो कर रहे हैं वो काम आपको ये मशीन एक बार में करके देगी, आपका जो चावल है वह अलग निकाल के देगी, और कुछ ऐसा भी होता है कि धान परफेक्ट नहीं होता है, ख़राब धान होता है तो उसमें टुकड़ा टुकड़ा निकलता है, जिसको देहाती भाषा में हम लोग खुद्दी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जाली अलग लगा हुआ है और भूसा के लिए अलग लगा हुआ है, तीनों आप देख सकते हैं सामने वहाँ लगी हुई है,
कि आप अलग अलग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पर मैन पावर काफी कम लगने वाला है, मशीन ही सारा काम करके दे देगी। सामने जो देख रहे हैं इसमें आपको फ्रेश चावल निकाल के देगा जी सर, और इसमें जाली लगी हुई, जो धान का टुकड़ा होगा, चावल का टुकड़ा होगा, वो फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा, वो फिल्टर होकर इस रास्ते निकलेगी। और भूसा की बात करें तो यहाँ आपको ब्लोयर दिया हुआ है, इस ब्लोयर से निकल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि भूसा की जो बात करते हैं तो भूसा बहुत धान पे भी निर्भर करता है। कुछ धान मार्केट में देखते हुएगा पतला होगा, पतला छिलका वाला, कुछ धान मोटा होता है, ठीक है, तो मोटा छिलका होता है, तो धान पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा निकलेगा। टूट फूट क्या है, किस पर डिपेंड करता है सर, धान पर या तो फिर मशीन पर? देखिए मशीन पे टूट फूट डिपेंड नहीं करता है। धान को जब प्रोसेस किया जाता है सुखाने का, तो उसमें अगर आप ज़्यादा सुखा देते हैं तो भी टूटेगा, कम सुखाइएगा तो भी टूटेगा। तो जो किसान बंधु है उनको प्रॉपर वे में पता है कि हमें इस धान को कितना तक सुखाना है या उबालना है, जो भी प्रोसेस है उनको पता है। इसमें अरवा और उसना, जो कि हम लोग बिहार में जो उबला हुआ चावल धान होता है उसको जो कुटाई होती है तो उसके चावल को उसना चावल कहते हैं, और ऐसे नॉर्मल जो धान खेत से आता है और उसका फिर सुखाते हैं और सुखा करके मिल में लेकर जाते हैं तो उसको अरवा हम लोग कहते हैं। तो अरवा उसना दोनों की कुटाई कर सकती है सर? इसमें आप दोनों की कुटाई कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ सर दो तरह की मशीन यहाँ पर है, तो इस मशीन को अगर आप चलाते हैं और पहले से पुराना मशीन आप चला रहे हैं तो आप ही भूल जाइएगा कि शायद हम राइस मिल ही चला रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के मॉडल सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो दोनों की खासियत सर बता दीजिए, दोनों का पावर कैपेसिटी जो है वो आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अभी तो वीडियो में हम दो दिखा रहे हैं, मेरे पास चार से पांच मॉडल है। अच्छा, चार पांच मॉडल है। तीन एचपी की भी मॉडल है, सामने देख रहे हैं पांच एचपी सिंगल फेज की मॉडल है, ठीक है, पांच एचपी सिंगल फेज है या 10 एचपी ट्रिपल फेज है, 3 एचपी में सिंगल फेज है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि 10,000-15,000 की मोटर को निकाल ले रहे हैं और मशीन के रेट में 5,000 डाउन कर दे रहे हैं और लोग को अच्छी करें, नहीं, 5 एचपी जो है भैया हम कंप्लीट सेटअप आपको 45,000 में दे रहे हैं मोटर के साथ सर। मोटर के साथ, वो भी सिंगल फेज मोटर। अब मार्केट में क्लियर कर लीजिए कि सिंगल फेज मोटर की कीमत क्या है। तो सर 3 एचपी की बात आपने बताई, 5 एचपी की बात बताई और 10 एचपी की बात बताई। 3 एचपी के सेगमेंट में भी आपके पास मिनी राइस मिल है, 5 एचपी के सेगमेंट में भी मिनी राइस मिल है और 10 एचपी के सेगमेंट में भी आपके पास मिनी राइस मिल है। तो बजट की अगर बात करें तो 3 एचपी का क्या बजट होने वाला है, 5 एचपी तो आपने बता दिया और 10 एचपी का क्या बजट होने वाला है? बिल्कुल, देखिए 3 एचपी की बजट की बात करें तो 3 एचपी की मोटर जो होती है वह 10,000 रुपये की होती है। मात्र हम 30,000 रुपया में मोटर के साथ 3 एचपी की मशीन दे देंगे, यानी कि मात्र 20,000 में मशीन होगा। मात्र 20,000 में 3 एचपी का मशीन, वो भी घंटे का 150 केजी प्रोडक्शन के साथ गारंटी। 10 एचपी का सर कीमत क्या है? 10 एचपी में थोड़ा मोटर का लोड ज़्यादा पड़ता है, तो बहुत सारे भाई के पास पहले से मोटर रहता है, 7 एचपी हो या 5 एचपी हो या कोई भी हो। मात्र 65,000 रुपये में विदाउट मोटर हम इसको दे देंगे। अगर मोटर के साथ लेना चाहते हैं ब्रांडेड मोटर देंगे, गोदरेज हैवेल्स क्रॉम्पटन की मोटर लेते हैं तो मात्र 95,000 रुपये में दे देंगे। तो सर 3 एचपी का जो कैपेसिटी है आपने बताया, प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 किलो, तो ये धान की बात आपने बताई या चावल की बात बताई? चावल की बात करते हैं भैया, बहुत 150 किलो घंटा में चावल निकाल के देगी। हाँ, चावल निकाल के देगी। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि 3 एचपी में 250 केजी चावल निकलेगी, नहीं, बाद में कहेंगे कि धान निकलेगी, नहीं, लेकिन मेरा जो है वह चावल ही निकलेगी। तो 5 एचपी में सर कितना चावल निकाल कर देगी? 5 एचपी की बात करें तो 300-400 केजी के बीच में प्रोडक्शन देगी गारंटी चावल। चावल 5 एचपी की बात करें तो 800-900 किलो पर आवर यह प्रोडक्शन करके देगी आपको। यानी कहा जाए तो सर लगभग 1 टन का प्रोडक्शन ये दे सकती है पर आवर। अगर 4-5 घंटा अगर मशीन चला दिए तो 4-5 टन का व्यवस्था ये कर देगा आसानी से। वाह, तो सर कीमत आपने बता दिया, प्रोडक्शन आपने बता दिया, अब थोड़ा सा वारंटी के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो यहाँ से लेकर जाएंगे मशीन, अगर कुछ परेशानी आ जाए तो फिर कैसे उसको कवर कर सकते हैं, कैसे उससे परेशानी से वो निकल सकते हैं? देखिए उसके लिए तो ऑलरेडी हम है, बहुत सारा वीडियो आपके चैनल पे गया है, आप कभी भी कमेंट में देख लीजिए कि ऐसा कोई कस्टमर नहीं बोल रहा होगा कि सर्विस नहीं मिला है, ठीक है। सर्विस अगर हमसे बेहतर मिल जाए बिहार में तो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, इतनी गारंटी देते हैं आपके कैमरा। इस तरह की सर मशीन तो बहुत सारे लोग, जो भी लोग ले रहे हैं वह आंख बंद करके अगर अलग से भी मशीन ले लिए, उनको सर्विस नहीं मिल रही है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो एक बार आकर हमसे मिल ले। फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, आप आकर मिलिए, आपका सारा समाधान करने के लिए हम बैठे हैं।
उत्तर बिहार की एक मेंटलिटी थी, हम लोग की मेंटलिटी है कि कोई भी सामान अगर लेना होता है तो कम से कम उस तरह के 10 दुकान के पास जाएंगे, समझेंगे, बुझेंगे, उसके बाद फिर हम जहाँ पर सस्ता पड़ेगा वहीं से हम लोग लेंगे। तो क्या सर, जो हमारे दर्शक हैं आपके पास ही क्यों लेंगे, बहुत सारे इस तरह के मशीन बेचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए यही चीज़ तो हम भी कहना चाह रहे थे, जो चीज़ आप पहले बता दिए। आपके जो भी व्यूअर हैं, 2-4-5 कंपनी विजिट करे, रेट लेकर आए, सर्विस की बात करके आए, और सारे जगह से घूमने के बाद एक बार हेलो डिस्पोजेबल में भी घूमे, मशीन का रेट समझे, अगर मार्केट से 20-25% कम नहीं है तो यहाँ पे मत आए, आप यहाँ से मशीन मत लीजिए, कहीं से भी मशीन ले लीजिए, अगर सर्विस नहीं मिले तो फिर आ जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ से मशीन नहीं लिए हैं तो नहीं आएंगे, बेहिचक आप आ सकते हैं। आप यहाँ विजिट किए, मशीन यहाँ से नहीं लिए, अगर कहीं से भी लेके फंस चुके हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है, आपको सारा पार्ट हम उपलब्ध कराएंगे। सर, मशीन आपके यहाँ से खरीदने का क्या प्रोसेस है? मेरे यहाँ से मशीन लेने के लिए अगर आप आ जाते हैं तो हम और हमारी टीम की तरफ से मस्ट वेलकम है, अगर नहीं आ पाते हैं तो मात्र GST और ट्रांसपोर्टिंग अमाउंट अप्रॉक्स 20-25% अमाउंट आप कंपनी अकाउंट में डाल दें, हम मशीन आपके यहाँ भेज देते हैं, मशीन देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, फिर रेस्ट पेमेंट करके आप अपने घर ले जाइए। कहाँ कहाँ इस मशीन को आप भिजवा सकते हैं सर? मशीन को हम ऑल ओवर इंडिया या किसी भी कोने में, किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला, किसी भी कस्बा में, साथ में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफ्रीका जैसे देश में भी हम भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली इस मशीन की आपके द्वारा हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, आपने सुना इस मिनी राइस के विषय में जो भी जानकारी मिली है परफेक्ट मिली है, टेक्निकल जानकारी भी सर ने देने की कोशिश की है। तो सोचना क्या है दोस्त, नंबर दिया हुआ है हेलो डिस्पोजल मुजफ्फरपुर का स्क्रीन पर, आप बात कर लीजिए, विशेष जानकारी वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।